So hi everyone, this is Mayank Kothari. We have this question in front of us from the International Financial Management chapter. ये chapter में जो questions हैं सारे के सारे थोड़े बड़े रहेंगे. So we are going to read the question. Time देंगे हम question को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, और उसके बाद में हम move on करेंगे question के answers पे. So ध्यान देंगे आप. Perfect Incorporation और US based pharmaceutical company. ध्यान दो, एक company है Perfect Incorporation और ये US based company है and it's a pharmaceutical company. Has received an offer from Edgecure Limited, a company engaged in manufacturing of drugs to cure dengue, to set up a manufacturing unit in Baddi, Himachal Pradesh, India in a joint venture. So, पहला पैराग्राफ आपको ये बताता है कि Perfect Incorporation एक कंपनी है US में और एक कंपनी है हमारी Edgecure Limited इंडिया में. Edgecure Limited ने ऑफर किया है Perfect Incorporation को US में कि भैया हम एक जॉइंट वेंचर बनाते हैं और इंडिया में ऑपरेशन शुरू करते हैं. आगे देखेंगे, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हैं हिमाचल प्रदेश में बड्डी वाले गाँव में. सो दोनों के दोनों pharmaceutical companies hai, they want to enter into a joint venture for the production of some drugs for the dengue. As per the joint venture agreement, ab joint venture agreement jo hai aapka ye kya kehta hai, Perfect Incorporation will receive 55% share of revenue plus. So Perfect Incorporation jo hai isko bhi paisa milega, seedhi si baat hai. जितना भी सेल होगा इस जॉइंट वेंचर में बड्डी में, ये हिमाचल प्रदेश में एक यूनिट सेटअप करेंगे, उसके बाद उसमें प्रोडक्शन शुरू होगा, मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी ड्रग्स की, दवाइयों की, और ये दवाइयाँ पूरे इंडिया में बिकेगी. अब इंडिया में बिकने के बाद में जितना भी रेवेन्यू आएगा, लेट से सपोज 100 रुपये आता है, तो 100 रुपये का 55% हिस्सा रेवेन्यू का किसका है, इसका Perfect Incorporation का. सो बाकी का 45 किसका हो गया, Edgecure Limited का. ठीक है, और Perfect Incorporation जो कि US बेस्ड कंपनी है उसको सिर्फ रेवेन्यू का 55% नहीं मिल रहा, उसको रॉयल्टी भी मिल रही है. रॉयल्टी मिल रही है $0.01 पर बॉटल. एक बॉटल अगर हम बेचेंगे तो $0.01 जितना रॉयल्टी Perfect Incorporation को देनी पड़ेगी. ठीक है, द इनिशियल इन्वेस्टमेंट विल बी 200 crores फॉर मशीनरी एंड फैक्ट्री. The scrap value of machinery and factory is estimated at the end of 5 years to be 5 crore rupees. अब ध्यान देंगे आप यहाँ पे. The machinery is depreciable at 20% on the value net of salvage value using straight line method. अब इतना पूरा जो डेटा है यहाँ से लेके आपका यहाँ तक, ये सारा का सारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट या कैपिटल इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है. मैं इसको समराइज करता हूँ, ध्यान देंगे. 5 साल की लाइफ है, स्टार्टिंग में आप 200 करोड़ रुपए डालोगे, वो एंड में 5 करोड़ रुपए में बिक जाएगी. सो नेट सैलवेज वैल्यू जो है 195 करोड़ आती है, मतलब सॉरी नेट सैलवेज वैल्यू नहीं, नेट कॉस्ट डेप्रिशिएशन के लिए जो आप कंसिडर करोगे दैट इज 195. डेप्रिशिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से सर कैसे निकालते हैं, डेप्रिशिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू डिवाइडेड बाई लाइफ. कॉस्ट इज 200 करोड़ माइनस सैलवेज वैल्यू 5 करोड़ डिवाइडेड बाई लाइफ 5. सो 195 डिवाइडेड बाई 5 अगर आप करोगे तो आपका डेप्रिशिएशन का हर साल का सेम अमाउंट आएगा 39 करोड़ रुपीज़ का. सो ये 39 करोड़ रुपीज़ हम लेंगे आगे. ओके, लिख के रख लिया. अब देखो, एन इनिशियल वर्किंग कैपिटल टू द ट्यून ऑफ 50 करोड़ शैल बी रिक्वायर्ड एंड देयर आफ्टर 5 करोड़ रुपीज़ ईच ईयर. कितने साल का प्रोजेक्ट है हमारे, 5 साल का प्रोजेक्ट है. तो स्टार्टिंग में 50 करोड़ रुपये लगेंगे. ठीक है सर, स्टार्टिंग में 50 करोड़ रुपये लगाएंगे. एक सेकेंड, हाँ ध्यान दो. सो सबसे पहले 50 लगेगा, अगली बार और 5 का आउटफ्लो होगा. और ये टाइमिंग क्या है मैं आपको बताता हूँ. वर्किंग कैपिटल साल के शुरुआत में लगता है. वर्किंग कैपिटल किस पर्पज़ के लिए होता है, वर्किंग कैपिटल आपके बिजनेस के ऑपरेशन को कंटिन्यू करने के लिए, चलाते रहने के लिए लगता है. तो वो वर्किंग कैपिटल जब तक डालोगे नहीं बिजनेस में तब तक ऑपरेशन शुरू नहीं होंगे. सो वर्किंग कैपिटल आपको शुरू में लगता है. सो 0 पॉइंट पे आपने वर्किंग कैपिटल के लिए, मैं यहाँ पे ध्यान देना, 0 पॉइंट पे ये आएगा. एक साल बाद, एक साल के एंड में 5 करोड़ रुपए का और इन्वेस्टमेंट, दूसरे साल में 5 करोड़, तीसरे साल में 5 करोड़, चौथे साल में 5 करोड़. अब ध्यान देना, ये जो वर्किंग कैपिटल है ये आपका खर्चा नहीं है, ये साइकिल के थ्रू वापस वापस रोटेट होते रहता है. अब ये अगर रोटेट होगा आपका तो एट द एंड जब प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा
तब ये वापस रिलीज हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल सारा का सारा आप वापस निकाल लोगे कंपनी में से. सो इट्स काइंड ऑफ जैसे दुकान शुरू करते हैं हम. आज मान लो मैंने, मेरी एक नई दुकान शुरू हुई है, मैं किराना या स्टोर्स की मेरी शॉप है. अब मेरे को पता है कि यहाँ पे दुकान में कस्टमर आएंगे, 50 रुपये का अगर कोई सामान खरीदेंगे, या मान लो 70 रुपये का कोई सामान खरीदा, तो वो 100 रुपये की नोट देगा मेरे को. मेरे को अगर उसने 100 रुपये की नोट दिया तो मुझे तो वापस 30 रुपये देने पड़ेंगे. तो आप ध्यान दो, अगर पहला कस्टमर दुकान में आता है 70 रुपये का माल खरीद के 100 रुपये देता है, तो 30 रुपये तो चाहिए ना मुझे उसे वापस देने के लिए. और ये मेरे को कस्टमर के आने के पहले रखना पड़ेगा अपने पास में. दिस 30 रुपीज़ ऑफ द कैश दैट इज़ देयर इन माई जो भी आप बोल सकते हो उसमें बॉक्स, या वहाँ पे जो भी मैंने पेटी कैश के लिए रखा है लॉकर, उस 30 रुपये को क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल. ये कैपिटल आपको लगेगा. ये एक नॉर्मल सा मैंने एग्जाम्पल दिया. उसके बाद में सैलरी, रोज़ के खर्चे एंड ऑल दैट थिंग, ये रोटेट होने वाला है. सो लास्ट जो फिफ्थ ईयर आएगा, फिफ्थ ईयर में आप उसको, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा चार्ज करने दो. सो जो फिफ्थ ईयर आएगा आपका, उसमें आपका पूरा 70 करोड़ रुपए, 50 करोड़ आपने स्टार्टिंग में डाला और 5 5 5 5 करके आपका 20 करोड़ रुपए और बीच में वर्किंग कैपिटल गया, 70 करोड़ रुपए सारा का सारा रिलीज हो जाएगा वर्किंग कैपिटल. ठीक है, आगे देखो. एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्शंस, इट इज एस्टिमेटेड दैट द प्राइस पर बॉटल विल बी 7 रुपीज़ 50 पैसा. अब क्योंकि फार्मेसी वाला एरिया है, सो प्राइसेस को कंट्रोल रखना ज़रूरी है. सो गवर्नमेंट भी इंटरवीन करती है इसमें. अब गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया और गवर्नमेंट क्या बोलती है कि भैया, गवर्नमेंट के डायरेक्शंस को ध्यान में रखते हुए अगर हमने प्राइस की, बॉटल की प्राइस फिक्स की, तो वो तकरीबन 7.5 रुपये में एक बॉटल बिकेगी एंड प्रोडक्शन विल बी 24 करोड़ बॉटल पर ईयर. द प्राइस इन एडिशन टू इन्फ्लेशन ऑफ रिस्पेक्टिव ईयर शॉल बी इंक्रीज्ड बाय ₹1 ईच ईयर. द प्रोडक्शन कॉस्ट शॉल बी 40% ऑफ द रेवेन्यूज. अब इस चीज़ को ध्यान दो क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. सो मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ आपको. अभी मैं सेल्स की बात करता हूँ. 5 साल में हम कितने यूनिट्स बेचेंगे, ध्यान देना, दिमाग लगा है. 5 साल में हर साल हम 24 करोड़ बॉटल्स बेचेंगे और हर साल जो बॉटल बिकेगी उसकी कीमत होगी 7.5 रुपये. सो सबसे पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पाँचवा साल. ठीक है सर, ठीक है, 5 साल तो कंप्लीट हो गए. अब पहले साल जो बिकेगी वो रहेगी आपकी 7.5 रुपये से. अब इसके बाद ये रेट बढ़ते जाएंगे, ये हो जाएगी 8.5, 9.5, 10 और 11.5. बट ये फाइनल प्राइस नहीं है, ये सिर्फ 1-1 रुपए से बढ़ोतरी जो हुई थी, कंसिडर करनी थी, हमने वो किया. इसके बाद इन्फ्लेशन की वजह से ये प्राइसेस जो बढ़ेगी आगे, वो हम अलग से कंसिडर करेंगे. ठीक है, तो इन्फ्लेशन इसमें ऐड करेंगे जब भी हमको इन्फ्लेशन का डेटा आगे दिया हुआ होगा. अब आगे देखो, टैक्सेस की बात करते हैं. द अप्लीकेबल टैक्स रेट इन इंडिया इज 30% एंड 35% इन US. ओके, ठीक है. एंड देर इज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड US. अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, टैक्स क्रेडिट शॉल बी गिवन इन US फॉर द टैक्स पेड इन इंडिया. आप अगर 100 रुपये कमाओगे, मैं रुपीज में एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, अगर 100 रुपये इंडिया में कमाते हो तो 30 रुपये तो आपको दे देना है इंडिया में. उसके बाद जब आप US में टैक्स भरोगे तो US में ज़्यादा टैक्स है, 35% का टैक्स है. सो 35% का जो टैक्स है US में, उसमें आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा 30% जो आपने इंडिया में पे किया है वो. अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, टैक्स क्रेडिट शॉल बी गिवन इन US फॉर द टैक्स पेड इन इंडिया इन बोथ. अब ये वाला सेंटेंस इंपॉर्टेंट है. इन बोथ द कंट्रीज टैक्सेस शॉल बी पेड इन द फॉलोइंग ईयर इन विच प्रॉफिट हैव अराइजन. सो दोनों कंट्रीज में, ध्यान देना, सिर्फ इंडिया में नहीं सर, दोनों कंट्रीज में आपको टैक्स कब पे करना है? फॉलोइंग ईयर में. यानी कि अगर पहले साल का टैक्स है तो आपको दूसरे साल में पे करना है, दूसरे साल का टैक्स है तो तीसरे साल में पे करना है, तीसरे साल का टैक्स है तो चौथे. तो ऐसा 5 साल का हमारा टोटल पीरियड है, यानी 5वें साल का जो टैक्स है ये 6वें साल में जाएगा, ये आपको समझ में आना चाहिए. सो जब भी हम कॉलम बनाएंगे यहाँ पे, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 में एक टैक्स वाला आइटम ज़रूर आएगा. सो ये टैक्सेस से रिलेटेड कहानी हो गई कि 30% इंडिया में, 35% US में. US में उसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा और दोनों कंट्री में जब भी टैक्स पेमेंट करने की बात आएगी वो नेक्स्ट ईयर पे करेंगे, जब आपका प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हैव अराइज.
स्पॉट रेट ऑफ डॉलर इज 57, क्योंकि अब इंडिया और यूएस की बात चल रही है तो एक्सचेंज रेट को आना ही था। 57 रुपीज़ पर डॉलर, 1 डॉलर की कीमत 57 रुपये। द इन्फ्लेशन इन इंडिया इज 6%, विच इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज बाय 0.50% एवरी ईयर। सो सबसे पहले 2, 3, 4, 5, सब पहले साल का इन्फ्लेशन सर कितना, 6%, उसके बाद 5.5, उसके बाद 5, 4.5 एंड 4, ये आपका इन्फ्लेशन का रेट रहेगा। एंड 5% इन यूएस, यानी यूएस में 5 साल में इन्फ्लेशन सेम है, इन्फ्लेशन उसमें नहीं चेंज हो रहा, लेकिन आपका इंडिया में इन्फ्लेशन बदलेगा। एज पर द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओनली 50% ऑफ द शेयर कैन बी रेमिटेड इन द ईयर इन विच दे आर अर्नड, नॉट रिसीव्ड, अर्नड। जिस साल आपने पैसा कमाया, मान लो 100 रुपये आपने पहले साल में कमाया, तो उसका 50%, यानी 50 रुपये ही इसी साल, पहले साल ही इंडिया से यूएस में आप लेके जा सकते हो। रेमिट करना यानी कि यहां से वहां ट्रांसफर करना। सो 100 रुपये इंडिया में पहले साल में कमाया, उसमें से सिर्फ 50 रुपये ही आप पहले साल लेके जा सकते हो, और बाकी का जो 50 रुपये बचा है वो अगले साल आप लेके जाओगे। रेमिटेंस आपका दो हिस्सों में होएगा, भले कमाई एक साल में हुई इंडिया में, लेकिन रेमिटेंस दो हिस्सों में होगा, पहले साल 50%, दूसरे साल 50%। सो 5वें साल में जो आप कमाओगे उसका 50% उसी साल लेके जा सकते हो, और उसके अगले साल बाकी का 50% आप लेके जाओगे, ठीक है। दो, WACC ऑफ परफेक्ट इनकॉर्पोरेशन इज 13%। परफेक्ट इनकॉर्पोरेशन यूएस बेस्ड कंपनी है और उसकी WACC कितनी है, 13%, लेकिन वो अपने कंट्री में प्रोजेक्ट ओपन नहीं कर रही, प्रोजेक्ट नहीं शुरू कर रही, ज्वाइंट वेंचर नहीं शुरू कर रहा, वो इंडिया में ज्वाइंट वेंचर शुरू कर रहा है, और वहां के रिस्क को, एनवायरमेंट को, गवर्नमेंट को, सारी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बोला कि भैया 15% तो कम से कम रिटर्न मिलना चाहिए। तो हम जब डिस्काउंटिंग करेंगे तो कौन से रेट से करेंगे, 15%। दिस इज कॉल्ड एज रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट। डिटरमाइन वेदर परफेक्ट इनकॉर्पोरेशन शुड इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट। इन्वेस्टमेंट कितना है सर, ये रहा सारा का सारा इन्वेस्टमेंट, अभी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है इन द प्रोजेक्ट और नॉट फ्रॉम सब्सिडरी पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये तो सिर्फ सर कहानी हुई है सिर्फ हमारी क्वेश्चन की, 4, 5, 6 हिस्सों में मैंने बांटा है आपको, आपको यानी कि आपको समझाया है इस क्वेश्चन को। सो 200 करोड़ रुपए, अब कहानी देखो बहुत ही सिंपल है। यूएस इन्वेस्टमेंट करेगा इंडिया में, इंडियन जो दूसरी पार्टी है उसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना ही नहीं है, हमको सिर्फ यूएस वाली पार्टी से पार्टी के एंगल से ध्यान में रखना है सारे कैलकुलेशन। लास्ट लाइन फिर से पढ़िए, डिटरमाइन वेदर परफेक्ट इनकॉर्पोरेशन शुड इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट। हमको सारा का सारा प्रॉफिट, एनपीवी, कैश फ्लोज, जितनी भी चीज़ें निकालनी है उसे परफेक्ट इनकॉर्पोरेशन के एंगल से निकालनी है। सो इसमें 3 पार्टी है, एक परफेक्ट इनकॉर्पोरेशन, एक है इट्सक्योर लिमिटेड जो इंडियन पार्टी है, और एक है जॉइंट वेंचर। आपको कैलकुलेशन ना जॉइंट वेंचर के एंगल से करना है पूरे, ना इट्सक्योर लिमिटेड के एंगल से करना है, आपको कैलकुलेशन परफेक्ट इनकॉर्पोरेशन के एंगल से करने हैं। सो आप परफेक्ट इनकॉर्पोरेशन में इट्सक्योर लिमिटेड ध्यान में रखिए, मैंने आपको इंडिया में बुलाया, मैंने बोला कि चलो ठीक है आपके की जो भी आपने आपके पेटेंट्स होंगे उसका मेरे को वो दो, राइट्स दो, मैन्युफैक्चर करता हूं मैं यहां पे आपके साथ मिलके, आप इन्वेस्टमेंट करोगे और राइट्स दोगे। आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपको सेल्स का हिस्सा मिलेगा 55%, ठीक है। अब उसके बाद में मैंने कुछ चीज छोड़ी है कि यहां पे नहीं, प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी 40% रहेगी, वो अपन बियर करेंगे। सो 55% आपको, 45% मेरे को, मैं आपको रॉयल्टी भी दूंगा, आपका इन्वेस्टमेंट और ऑपरेशंस मेरे रहेंगे, मतलब मैं हैंडल करूंगा ऑपरेशन, आप इन्वेस्टमेंट करो मैं ऑपरेशंस हैंडल करूंगा, इस तरह मिला के दोनों हम काम करेंगे। मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, ध्यान देना, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, सारा का सारा इन्वेस्टमेंट आपका, तो 100% इन्वेस्टमेंट आपका, लेकिन रेवेन्यू 55% है। सर ऐसे कैसे हो सकता है, अगर कोई 100% इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो रेवेन्यू भी तो 100% होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। प्रैक्टिकली सोचो, आपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके बाद में साल भर मेहनत कौन कर रहा है, मैं, तो मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। सो मैं 45% ले रहा हूँ, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब जान दो आंसर पे, क्वेश्चन के आंसर को हम 7 अलग अलग स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं, और क्या क्या कैलकुलेट करने वाले ये मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है इसलिए हम उसको समराइज करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एक्सचेंज रेट, क्योंकि अलग अलग ईयर का एक्सचेंज रेट हमको निकालना है। अब एक्सचेंज रेट निकालना है तो एक ही एक्सचेंज रेट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन देर इज़ वन थ्योरी
जो कि हमने फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट वाले चैप्टर में पढ़ी थी, उसको कहते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी। तो इन्फ्लेशन दोनों कंट्री के हमारे पास में दिए हुए हैं, उन इन्फ्लेशन की मदद से हम कैलकुलेट करेंगे कि एक्सचेंज रेट क्या होगा। उसके बाद हम रेवेन्यू कैलकुलेट करेंगे कि रेवेन्यू में परफेक्ट इनकॉर्पोरेशन का हिस्सा कितना है, 55% का। उसके बाद हम रॉयल्टी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, रॉयल्टी का कैलकुलेशन बहुत सिंपल रहेगा। उसके बाद रेवेन्यू और रॉयल्टी दोनों को कंबाइन करके टैक्स के कैलकुलेशन करेंगे कि इंडिया में हमको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा। अब एक बार अगर आपने टैक्स के कैलकुलेशन कर लिए तो उसके बाद हम फ्री कैश फ्लोज के कैलकुलेशन करेंगे कि फ्री कैश फ्लोज क्या होगा। फ्री कैश फ्लोज के बाद रेमिटेंस के कैलकुलेशन होंगे कि भैया ठीक है अब इतना कैश फ्लो हो गया, अब हम कितना रेमिट कर सकते हैं। रेमिटेंस आप कैश करते हो, प्रॉफिट नहीं। और लास्ट में रहेगा हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू, और ये एनपीवी अगर पॉजिटिव आई तो आप परफेक्ट इनकॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर देगा। सो ये 7 स्टेप्स में मैं डिवाइड करता हूँ सारे के सारे कैलकुलेशन, ध्यान देंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एक्सचेंज रेट सारे ईयर्स के लिए, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी द ईयर, दिस इज गोइंग टू बी द कैलकुलेशन एंड देन द फाइनल एक्सचेंज रेट। आप अपने हिसाब से फॉर्मेट बदल सकते हो। फर्स्ट ईयर, अच्छा परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी का फॉर्मूला क्या है? कैलकुलेशन आप जो करोगे वो इस फॉर्मूले पे बेस्ड रहेगा कि 1 प्लस इन्फ्लेशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, 1 प्लस इन्फ्लेशन ऑफ द फॉरेन करेंसी डिवाइडेड बाय, सॉरी इज इक्वल टू एफ यानी फॉरवर्ड रेट डिवाइडेड बाय आपका स्पॉट रेट। तो स्पॉट रेट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब डोमेस्टिक करेंसी, ये जो फार्मूला है ये डायरेक्ट कोट के केस में अप्लीकेबल है, और हमारे यहाँ पे भी डायरेक्ट कोट दिया हुआ है रुपीज़ पर डॉलर, इसलिए डोमेस्टिक करेंसी कौन सी हुई हमारी, रुपीज़, और डोमेस्टिक कंट्री इंडिया, तो इंडिया का इन्फ्लेशन सबसे ऊपर रखेंगे। फर्स्ट ईयर का कैलकुलेशन देखो, फर्स्ट ईयर में आपका इन्फ्लेशन का रेट है 6%। 0 पॉइंट पे इन्फ्लेशन कुछ भी नहीं होता। आप बोलोगे सर 6% अभी है, वो तो एक साल के एंड में गिर जाना चाहिए, एक क्वेरी एरेज होगी क्योंकि उसने बोला है कि 0.50% गिरेगा, लेकिन सर 0 टाइम पे कोई इन्फ्लेशन नहीं होता। ये जो 6% का है ये पहले साल का इन्फ्लेशन है। सो 1.06 डिवाइडेड बाय 1.05 इज इक्वल टू F1 लिख देता हूँ, चलो कोई नहीं। स्पॉट रेट आपको दिया हुआ है 57, सो 57 का स्पॉट रेट है आपका, कैलकुलेशन देखो 1.06 डिवाइड बाय 1.05 इनटू 57, सॉरी 1.06 इनटू 1.05 इनटू 57 अगर आप करोगे तो 63.44 आपका रेट आता है। एक बार फिर से ठीक है, कैलकुलेशन में मिस्टेक, 1.06 डिवाइड बाय 1.05 मल्टीप्लाइड बाय 57, दैट इज 57.54, ठीक है। सो 57.54 सेकंड ईयर 1.0, अब इन्फ्लेशन का रेट इंडिया में गिर जाएगा 55 डिवाइड बाय, लेकिन यूएस में ऐसा कुछ नहीं लिखा था, एफ डिवाइडेड बाय 57.54, जस्ट उसके एक साल पहले का रेट था 57.54 जो हमने निकाला। अगर ध्यान देना, अगर आपको यहाँ पे ये वाली फिगर पे 57 ही रखना है तो भी आंसर आपका आ सकता है, प्रोवाइडेड 57 2 साल पुराना था तो आपको यहाँ पे टू द पावर टू करना पड़ेगा। अगर ये आप ऐसा करते हो तो भी आपका आंसर सेम आएगा बाकी केसेस में, लेकिन इस वाले केस में सेम नहीं आएगा। इस वाले केस में सेम क्यों नहीं आएगा, आपको यहाँ पे टू द पावर टू नहीं करना पड़ेगा। एक सेकंड ना, टू द पावर टू ना करते हुए आपको, क्योंकि दोनों साल का इन्फ्लेशन अलग है, तो न्यूमरेटर में आपको 1.06 इंटू 1.05 करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में टू द पावर टू का आप कर सकते हो। इसलिए ज़्यादा दिक्कत ना हो इसलिए मैं आपको यही वाला रेट ले रहा हूँ, एक साल पुराना 57.54। 1.055 डिवाइडेड बाय 1.05 इंटू 57.54, सो दैट गोज टू 57.81। उसके बाद थर्ड,
1.05 डिवाइड बाय 1.05, 5.5% से गिर गया, एफ डिवाइडेड बाय 57.81, तो ये आंसर सेम रहेगा, 57.81 आगे आ जाओ। चार, 1.045, अब रेट गिरना शुरू होएगा क्योंकि न्यूमरेटर कम होता जा रहा है, डिवाइड बाय 1.05 इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाय 57.81। एंड द लास्ट इज फिफ्थ ईयर, सो फिफ्थ ईयर में 1.04 डिवाइड बाय 1.05 इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय 57.53। सात वर्किंग है टोटल, उसमें से ये एक खत्म होती आई, सो आपके 5 साल के एक्सचेंज रेट निकल चुके हैं। ठीक है, ज़रूरत पड़ी तो 6th ईयर का भी हम निकालेंगे, बट जहाँ तक मेरे को पता है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप ध्यान दो अपना कैलकुलेशन कहाँ है, ये रहा, ये 7 चीज़ें निकालनी थी, उसमें से हम ये कंप्लीट कर चुके हैं। अब ध्यान देते हैं रेवेन्यू पे, ठीक है। सो सेकंड रेवेन्यू, यहाँ आ जाएंगे पर्टिकुलर्स, ज़ीरो से शुरू करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, फ़िलहाल सिर्फ 5 की ज़रूरत है, क्यों? क्योंकि 6th ईयर कब आएगा, फॉलोइंग ईयर कहाँ आ रहा है, 2 केसेस में आ रहा है खाली, जब टैक्स का पेमेंट करूँगा तो टैक्स के कैलकुलेशन में 6th ईयर लूँगा, और आपका एक और जगह पे रेमिटेंस के केस में नेक्स्ट ईयर में, 50% अभी, 50% बाद में। सो अब देखो, एक सेकेंड, ध्यान देना, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। नंबर ऑफ यूनिट्स हम कितने बेचेंगे, 24 करोड़, हर साल कितने यूनिट बिकेंगे, ये हमारा कहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान अगर आप दोगे तो, ये 24 करोड़ बॉटल्स हम हर साल बेचेंगे, ठीक है। सो 24 करोड़ बॉटल्स के हिसाब से 24, ये सारा करोड़ में, और ये 24 ले लिया। अब सेलिंग प्राइस क्या होगी पर यूनिट, 7.5 यानी 7.5, 8.5, 9.5, 10.5 एंड 11.5, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 1 रुपये से हर साल बढ़ाना है, और 7.5 रुपये का रेट था, ठीक है। सो 7.5 से शुरू किया, 8.5, 9.5, 10.5, 11.5, उसके बाद बात आती इन्फ्लेशन की, ठीक है, मैं इन्फ्लेशन इंडेक्स के नाम से लिख रहा हूँ यहाँ पे। सो फर्स्ट ईयर का हमारा जो इन्फ्लेशन है वो रहेगा 1.06, 1.055, 1.05, 1.045 एंड 1.04, इससे मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आएगा इन्फ्लेटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सो 7.50 मल्टीप्लाइड बाय 1.06, 7.95, 8.50 मल्टीप्लाइड बाय 1.055, 8.97, फिर 9.50 मल्टीप्लाइड बाय 9.50 मल्टीप्लाइड बाय 1.05 इज 9.98 या 9.75 ले लो, क्योंकि 24 करोड़ में फ़र्क पड़ेगा। 10.50
मल्टीप्लाइड बाय 1.045 इज 10.97। एंड 11.50 मल्टीप्लाइड बाय 1.04 11.96। तो ये आपका इन्फ्लेटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ गया। ठीक है, आगे बढ़े, ध्यान देना। अब इससे आपका सेल्स आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद में। आप 24 करोड़ को इस रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे। सो 24 इंटू 7.95 इज 190.8। उसके बाद 24 इंटू 8.97 इज 215.28। 24 इंटू 9.975, 24 इंटू 9.975 इज 239.40। एंड देन 24 इंटू 10.97, 10.97 इज 263.28। सो 263.28। एंड द लास्ट वन इज 24 इंटू 11.96, 24 इंटू 11.96, सो दैट इज गोइंग टू बी 287.04। अब इसमें शेयर ऑफ परफेक्ट इनकॉर्पोरेशन आएगा विच इज 55%। सो जीरो की भी फिलहाल तो जरूरत नहीं थी आपको। अब आगे देखते हैं 55% हिस्सा कितना होगा, 0.55। अगर आपके पास में जो कैलकुलेटर आप यूज़ करते हो उसमें एक बार 0.55 दबाया तो भी बाद में फटाफट फटाफट कैलकुलेशन हो जाएंगे। सिर्फ एक ही बार आपको 190 और ये प्रेस करना पड़ेगा। सो 190.80 इंटू 0.55, 190.80 इंटू 0.55 इज 104.94। टू वन फाइव पॉइंट ट्वेंटी एट इंटू पॉइंट फिफ्टी फाइव इज़ वन वन एट पॉइंट फोर ज़ीरो फोर वन वन एट पॉइंट फोर ज़ीरो देन टू थर्टी नाइन पॉइंट फोर्टी इंटू फिफ्टी फाइव वन थर्टी वन पॉइंट सिक्सटी सेवन देन टू सिक्सटी थ्री पॉइंट ट्वेंटी एट इंटू पॉइंट फिफ्टी फाइव इज़ वन फोर्टी फोर पॉइंट एट ज़ीरो। एंड द लास्ट वन 287.04 इंटू 0.55 इज 157.87। सो 157.87 ये हो गया आपका परफेक्ट इनकॉर्पोरेशन का सेल्स का शेयर। सो ये हमारी सेकंड वाली वर्किंग ख़त्म हो गई। अब हम रॉयल्टी का कैलकुलेशन करेंगे, रॉयल्टी के बाद टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे। दो चीज़ें और हमारी यहाँ पे है, रेवेन्यू हो गया। अब बात करते हैं रॉयल्टी और टैक्स की, ध्यान देंगे फटाक से। रॉयल्टी ईजी जाएगा। थर्ड, रॉयल्टी के लिए 1, 2, 3, 4, 5 नंबर ऑफ यूनिट्स अगर आप लिखना चाहो वापस तो ठीक, नहीं तो भी ठीक। रॉयल्टी पर यूनिट कितना मिलेगा, हर साल हम 24 करोड़ बॉटल बेचेंगे और रॉयल्टी जो आपको मिल रही है वो डॉलर्स में मिल रही है ना कि रुपीज़ में। और आप ऊपर वाली फिगर्स जो देखोगे ये था रुपीज़, फिगर्स इन रुपीज़, रुपीज़ इन क्रोर्स, ठीक है। सो डॉलर में आपको 0.01 मिल रहा है। और अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ये रॉयल्टी जो आएगी आपकी इन क्रोर्स डॉलर में आएगी। सो 0.024, एक बार मैं 0.24, सॉरी माय मिस्टेक। सो हर जगह आपकी 0.24 आ गई, ठीक है। अब आती है बारी एक्सचेंज रेट की, क्योंकि सारे कैलकुलेशन सबसे पहले हम इंडियन रुपीज़ में करेंगे, टैक्स के भी उसी में होने हैं, आपके सेल्स तो पूरा का पूरा उसी में हुआ, इसको भी मैं उसी में कैलकुलेट कर लेता हूँ, कन्वर्ट कर लेता हूँ एक्सचेंज रेट। अब एक्सचेंज रेट जो हमने कैलकुलेट किए थे वो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा। एक्सचेंज रेट अगर आप ध्यान से देखोगे तो 57.548181
57.53, 56.98. मल्टीप्लाई करके ये आपकी रॉयल्टी इन रुपीज आ जाएगी. ठीक है, थर्टीन पॉइंट एटी वन. अगेन. एंड 6.48 ले लो. ठीक है, सो ये आपकी रॉयल्टी भी आ गई. सेल्स आपका ऊपर आ गया सेकंड वाले पॉइंट में, आखिरी जो फिगर थी. रॉयल्टी आपकी थर्ड वाले में आ गई. अब दोनों का मिला के मैं टैक्स का कैलकुलेशन करता हूँ. फोर्थ टैक्स. वन टू थ्री फोर फाइव. आपकी मैं रॉयल्टी यहाँ ले लूँगा. सो रॉयल्टी यहाँ आ जाएगी आपकी. नहीं, सबसे पहले तो रेवेन्यू लेंगे सर. सबसे पहले तो रेवेन्यू लेंगे. उसके बाद रॉयल्टी लेंगे. सो ध्यान देंगे 104.94, 118.40, 131.67, 144.80 एंड 157.87. ठीक है, उसके बाद रॉयल्टी 13.81, 13.87, 13.87, 13.81 एंड 6.48. 6.48 कम नहीं हुआ? रुको 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 रुको, कुछ तो गलत किया ना. 56.98 इंटू 0.24, दैट्स 13.68 आना चाहिए. अब इन दोनों के कर लेते हैं टोटल. सो देखो क्या आता है. 104.94 प्लस 13.81, 118.75. उसके बाद 118.40 प्लस 13.87, 132.27. पॉइंट 67 प्लस 13.87 145.54.
सो ये आपका टोटल हो गया। इसके बाद एक चीज़ जो है वो आपकी है प्रोडक्शन कॉस्ट। ध्यान देंगे, मैं आपको वापस क्वेश्चन पे लेके जाता हूँ। आपको यहाँ पे क्लियरली लिखा है द प्रोडक्शन कॉस्ट शैल बी 40% ऑफ द रेवेन्यू। ये अपन ऊपर भी ले सकते थे। सो ऊपर अगर डायरेक्ट कैलकुलेट कर देते तो वो प्रॉफिट का हिस्सा बन जाता था। सो 40% ऑफ द रेवेन्यू विल बी योर प्रोडक्शन कॉस्ट। आप नीचे भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो रेवेन्यू, और हमको परफेक्ट इनकॉर्पोरेशन को सिर्फ अपने हिस्से से मतलब है, तो अपने हिस्से का 40% हम माइनस करेंगे और बाकी से कोई लेना देना नहीं है। वो जॉइंट वेंचर की जब हम कैलकुलेशन करेंगे या जॉइंट वेंचर का अगर कैलकुलेशन करना होता है इस क्वेश्चन में, तो टोटल रेवेन्यू का हम 40% कॉस्ट लेते हैं। सो प्रोडक्शन कॉस्ट ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, फोर्टी 1.98। फोर्टी 7.36। फिफ्टी 5.07। फिफ्टी 7.92। 63.15। क्रॉस चेक कर लेता हूँ। वन 31.67 का 40% इज 52.67। यहाँ एक गलती पकड़ी गई, 52.67। ठीक है, सो ये आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई। उसके बाद आएगा डेप्रिसिएशन। इस दोनों के अलावा आपके पास में कोई कॉस्ट नहीं है, ना इंटरेस्ट है, ना एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट दिया, कुछ भी नहीं दिया हुआ। और डेप्रिसिएशन हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था, दैट इज 39 पर ईयर। देखो कैसे, 200 का आपका टोटल कैपिटल लग रहा है। अब ये कैपिटल में से 5 का आप कॉस्टिंग माइनस कर दो। सो ठीक है, 200 माइनस 5 करोगे, 195 डिवाइडेड बाय 5 करोगे, तो 39 का आपका आता है हर साल का डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से। सो आपने ये डेप्रिसिएशन ले लिया। अब मैं यहाँ पे आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर कैलकुलेट करता हूँ। 118.75 माइनस 41.98 माइनस 39, 37.77। गलत है क्या? 118.75 माइनस 41.98 माइनस 39, ठीक है, 132.27 माइनस 47.36 माइनस 39, 45.95, 145.54 माइनस 52.67 माइनस 39 इज 53.87, 158.61 माइनस 57.92 माइनस 39 इज 61.69। सिक्सटी नाइन पॉइंट फोर्टी
ठीक है सर, आपका टैक्स आ गया, सॉरी प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब अपन इस पर टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। टैक्स इन इंडिया इज 30%, यूएस में इज 35%। एलेवन पॉइंट थ्री थ्री, 13.77, 16.16, 18.51, 20.82, 69.40 इंटू पॉइंट थर्टी, 20.82, ठीक है। आफ्टर टैक्स फिगर एज सच कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये हम अलग से कैलकुलेट लेंगे। सिर्फ हमको इसमें टैक्स कैलकुलेट करना था, हमने ये टैक्स कैलकुलेट किया। दिस इज़ ऑल इन रुपीज इन करोड्स, ठीक है। ये रॉयल्टी भी जो आई है करोड्स में आई है, ऊपर में रुपीज़ भी हमने करोड़्स में लिया। अब देखो आपके कितने कैलकुलेशन हो चुके हैं। रॉयल्टी हो गया, टैक्स हो गया, एक चीज़ जो अब आपकी बची है वो है, सॉरी रॉयल्टी हो गया आपका, टैक्स हो गया, अब एक चीज़ जो आपकी बची है वो है फ्री कैश फ्लोस, रेमिटेंस और एनपीवी। अब उसको भी हम फाइनल करते हैं। ध्यान दो, चार हो गया ना, पाँच फ्री कैश फ्लोस। अब फ्री कैश फ्लोस क्या क्या है ध्यान देना। अब मैं यहाँ से ज़ीरो से लेना शुरू करूँगा क्योंकि अब आएगी बारी, ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव, अच्छा यार सिक्स भी तो आएगा अब यहाँ पे। ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। सबसे पहले आपका रेवेन्यू, रॉयल्टी। अब रेवेन्यू और रॉयल्टी ना लेके टोटल रेवेन्यू भी ले लोगे, रेवेन्यू प्लस रॉयल्टी ले लेते हैं, उसके बाद में प्रोडक्शन कॉस्ट जो आपका आउटफ्लो था, और क्या बस पहले ये दो ले लेता हूँ फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। अब हम कैश फ्लो पे फोकस कर रहे हैं, ध्यान देना, हम कैश फ्लो पे फोकस कर रहे हैं, प्रॉफिट से आगे बढ़ चुके हैं। सो रेवेन्यू प्लस रॉयल्टी का टोटल था 118.75, ठीक है। अब ध्यान दो, प्रोडक्शन कॉस्ट ये तो आपकी बेसिक चीज़ें हो गई। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट, दो सौ का लगा था,
वर्किंग कैपिटल स्टार्टिंग में कितना 50, फिर हर साल कितना 5, और लास्ट ईयर में ये सारा का सारा वापस रिलीज हो जाएगा। ये चीज़ याद रखना, 50 आपने स्टार्टिंग में लगाया, 5 5 5 5 और बढ़ता गया, 5वें साल के एंड में आपके ऑपरेशन ख़त्म, जितना भी कैपिटल बचा वर्किंग कैपिटल, क्योंकि रोटेट होते रहता है तो खर्चा नहीं है आपका, 70 आपका वापस रिलीज हो जाएगा। उसके बाद स्क्रैप वैल्यू एक और आइटम है, अगर आप को याद होगा तो 5वें साल में आपको स्क्रैप वैल्यू रियलाइज होगी, वो है 5 करोड़ की। टैक्स, सिर्फ ये टैक्स वाले कॉलम के लिए ये सारा वापस लिखना पड़ा। टैक्स का कैश फ्लो कब होगा ये पता करो। अब ऊपर वाले इसमें भी हमने टैक्स निकाला है, लेकिन फर्स्ट ईयर के लाइन में अगर आप देखोगे ऊपर वाले में तो 11.33 आपको दिखेगा कैश, लेकिन उस टाइम पे टैक्स, लेकिन उस टाइम पे उसका पेमेंट करना है क्या? नहीं, उसका पेमेंट अगले साल जाना चाहिए। सो फर्स्ट ईयर के टैक्स का पेमेंट हमको सेकंड ईयर में दिखाना है। आया समझ में? अब इस तरह से आप ये टोटल कर लो। यहाँ पे आएगा 250, फिर 118.75 - 41.98 - 5 71.77, सिक्सटी एट पॉइंट फिफ्टी एट 13.77। सेवेंटी नाइन पॉइंट फाइव थ्री वन सेवेंटी वन पॉइंट फाइव फाइव माइनस सिक्सटी थ्री पॉइंट वन फाइव प्लस सेवेंटी प्लस फाइव माइनस अठारह पॉइंट फाइव दैट इज 164.89 -20.82। ध्यान देना, 171.55 - 63.15 + 70 + 5 - 18.51, 164.89 दैट इज 22. ठीक है सर, तो ये आपके टोटल फ्री कैश फ्लोज हो गए। अब आपके सिर्फ दो वर्किंग बाकी है, वो है आपका रेमिटेंस कैलकुलेट करना एंड देन फाइनली द नेट प्रेजेंट वैल्यू। सो ध्यान देंगे आप कैलकुलेशंस पे। सो अब ध्यान देंगे रेमिटेंस के कैलकुलेशन हम देखते हैं। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। सबसे पहले मैं फ्री कैश फ्लो ले लेता हूँ। रेमिटेंस बहुत ही ईजी जाएगा आपको देखना। 250 यहाँ आ गया, 71.77, 68.58,
74.10, 79.53, 164.89 और 20.82। क्या कहा गया है कि आप जितना भी कमाओगे इस साल में, उसका आधा ही आप इस साल वापस रेमिट कर सकते हो, और बाकी जो बचा आधा है वो अगले साल रेमिट करोगे। रेमिट करने का मतलब इंडिया से पैसा ट्रांसफ़र करना यूएस में। इधर रेमिटेंस लेंगे, एक रहेगा दिस ईयर या करंट ईयर लिखो, और नेक्स्ट ईयर, ठीक है। सो कैश आउटफ्लो तो जो है वो है, अब हम कमाई की बात कर रहे हैं, 71.77 डिवाइडेड बाय 2, सो 35.85, सॉरी 88 इस साल ले लेता हूँ, और 35.89 अगले साल चला जाएगा। इसी तरह 68.58 डिवाइडेड बाय 2 इज 34.29, सेवेंटी फोर पॉइंट वन ज़ीरो डिवाइडेड बाई टू इज 37.05, उसके बाद 79.53 डिवाइडेड बाई टू इज 39.76 और 39.77, फिर 164.89 डिवाइडेड बाई टू इज 82.42, सॉरी 44 और 82.45। 20.82 आपका मेजरली टैक्स का आइटम है, अर्निंग या वैसा नहीं है, तो उसको अगले साल में शिफ्ट नहीं करेंगे, उसी साल का ही है वो। सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 इस साल में आपकी अर्निंग हुई थी, ये जो फिगर्स है ये आप अगले साल रेमिटेंस के लिए डाल सकते हो। 250 जो पहला है ये रेमिटेंस का किस्सा नहीं बनेगा, 20.82 भी रेमिटेंस का किस्सा नहीं बनेगा, वो ऑलरेडी आउटफ्लो ही है, मतलब इंडिया में पैसा ट्रांसफ़र किया हुआ। सो टोटल रेमिटेंस टू फिफ्टी, 35, सॉरी 35.88 उसके बाद 34.29 प्लस 35.89 इज 70.18, 37.05 प्लस 34.29 इज 71.34, 39.76 प्लस 37.05 76.81, वन ट्वेंटी टू पॉइंट टू वन, एट्टी टू पॉइंट फोर फाइव माइनस 20.82 इज 61.63, ठीक है। सो ये आपके 6 साल के 6 रेमिटेंस आ गए। अब लास्ट कैलकुलेशन आपका बचता है एनपीवी का, सो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है, ध्यान देना। 7 क्यों ले रहा हूँ मैं आगे बताऊँगा आपको। सबसे पहले तो मैं रेमिटेंस ले लेता हूँ, 250। आप चाहो तो ऊपर वाली वर्किंग में कैलकुलेशन कर सकते हो, तो आपकी एक वर्किंग कम हो जाएगी 70, तो एक आध लाइन कम हो जाएगी बस, ज़्यादा नहीं, वापस रिपीट नहीं करना पड़ेगा ये जो मैं रिपीट कर रहा हूँ। 61.63, अच्छा वैसे बाजू में जगह थी, ठीक है। अब क्या करना है सर? सर ये सारी चीज़ें थी आपकी रुपीज़ इन करोड़्स, इसको हमको कन्वर्ट करना है रुपीज़ इन, सॉरी डॉलर इन
अब डॉलर इन करोड़्स में कन्वर्ट करना है तो अपन कर सकते हैं, कैलकुलेशन आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यूएस में ना करोड़्स नहीं होते, यहाँ वहाँ पे मिलियंस होते हैं। करोड़्स में 7 जीरो लगते हैं अपने यहाँ पे, और उनके मिलियंस में 6 जीरो लगते हैं। सो अकॉर्डिंगली सबसे पहले तो मैं इसको डॉलर में कन्वर्ट करूँगा। अब मैं स्पॉट रेट लूँगा यहाँ पे 57 जो था, उसके बाद हमने जो कैलकुलेशन किए थे वहां देखता हूं मैं, ध्यान देना। फिफ्टी 57.548181853। एक और बचा है, फिफ्टी 6.98। एक साल के और कैश फ्लोज की हमको एक्सचेंज रेट की हमको ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं रफ में यहाँ पे निकाल ले रहा हूँ, ध्यान देना। लास्ट हमारा जो परसेंटेज था वो था 4%, ठीक है, ध्यान देंगे। पहले साल आपका 6%, फिर दूसरे साल 5.5, तीसरे साल 5, चौथे साल था 4.5, और पांचवें साल था आपका 4। अब हो जाएगा ये 3.5 इंटू 56.98, दैट गोज टू 56.17। ठीक है सर, अब हम कन्वर्ट करते हैं इसको डॉलर्स में। टू फिफ्टी डिवाइडेड बाई 57 करोगे तो 4.386 जो आ रहा है ये आपका करोड़्स में, मिलियंस में कन्वर्ट करना है तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 43.86। यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ इन मिलियंस, ठीक है। सो 35.88 डिवाइड बाई 57.54 इंटू 10, 6.24, 70.18 डिवाइडेड बाय 57.81 इंटू 10 इज 12.14, 71.34 डिवाइडेड बाय 57.81 इंटू 10 इज 12.34, 76.81 डिवाइडेड बाय 57.53 इंटू 10 इज 13.35, उसके बाद 122.21 डिवाइड बाई 56.98 इंटू 10 इज 21.45, 61.63 डिवाइड बाई 56.17 इंटू 10 इज 10.97। ठीक है, यहाँ पे आपके रुपीस की कहानी ख़त्म होती है, जो स्टार्टिंग से हम रुपीस में कैलकुलेशन करते आ रहे थे। अब यहाँ पे डॉलर हल आ गया, अब ये आपने पूरा का पूरा रेमिट किया है, यूएस में पैसा आ रहा है, यूएस में आपको टैक्स भरना पड़ेगा, और टैक्स रेट यूएस का है आपका 35%। सो यूएस टैक्स 35% कितना आ रहा है देखो, 6.24। अच्छा एक चीज़ और याद रखो, यहीं पे हम एनपीवी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एक चीज़ ये भी बोला था कि 30 हो या 35% हो, यूएस का टैक्स हो या इंडिया का टैक्स हो, दोनों टैक्सेस जिस साल ड्यू होंगे उसके अगले साल का पेमेंट, अगले साल उसका पेमेंट होएगा। सो 6.24 पहले साल का टैक्स है यूएस में, उस पर आप 35% अगर आप लगाओगे, 6.24 इंटू 0.35 दैट गोज टू 2.18 का अगले साल में। अरे 2.18, ठीक है, अगले साल जाएगा। सो 12.14 का 0.35, 4.25 अगले साल जाएगा। ये चीज़ थोड़ा सा क्रिटिकल है, तो ये ध्यान में रखना कि अगले साल लिख रहे हैं हम। 13.35 इंटू 0.35 इज 4.67, उसके बाद 21.45 इंटू 0.35 इज 7.51,
10.97 इंटू 0.35 इज 3.84। नहीं, मैंने गलत लिखा क्या? हाँ सॉरी, एक साल का छूट गया ना अपना। थर्टीन पॉइंट थर्टी फाइव इंटू पॉइंट थर्टी फाइव इज 4.67। ये गलत लिखा। यहीं से 12.34 इंटू 0.35 इज 4.32। सेवन पॉइंट गलत लिखा। 13.35 इंटू 0.35 इज 4.67। ट्वेंटी वन पॉइंट फोर फाइव इंटू 0.35 इज 7.51। और आखिरी 10.97 इंटू 0.35 इज 3.84। ये आएगा सेवन्थ ईयर में। तो ये चीज़ आपको समझनी है। ये हो गया। अब इंडियन टैक्स देखो, इंडिया का टैक्स जो था, जो भी इंडिया का टैक्स था वो रुपीज़ में हमने कैलकुलेट किया है। यहाँ पे अगर डॉलर में से माइनस करना है तो आपको डॉलर इन मिलियंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है? तो अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे? बहुत ही सिंपल, जो भी इंडिया का टैक्स था डिवाइडेड बाय एक्सचेंज रेट करो उस साल का, मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दो, तो आपको इंडियन टैक्स मिल जाएगा इन डॉलर्स। सो यहाँ कैलकुलेट करता हूँ, रुपी टैक्स डिवाइडेड बाय एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाइड बाय 10। सो अब थोड़ा सा आपको दिक्कत जाएगी इसमें, ध्यान देना। रुपी रुपी टैक्स रुपी टैक्स रुपी टैक्स, ये रहा 11.33। ये भी सेकंड ईयर से चालू हो रहा है तो हम सेकंड ईयर से लेंगे, क्योंकि 11.33 का पेमेंट हम ले रहे हैं, कैश फ्लोस सेकंड ईयर से शुरू हुआ था। सो 11.33, ध्यान देना, सेकंड ईयर का अपना एक्सचेंज रेट है 57.81 मल्टीप्लाइड बाय 10, दैट गोज टू 1.96। सो सेकंड ईयर में माइनस होगा, ठीक है। अब वापस आते हैं, 13.77 डिवाइडेड बाय, थर्ड ईयर का अपना एक्सचेंज रेट है 57.81 मल्टीप्लाइड बाय 10, 2.38। सो ये आएगा आपका 2.38। उसके बाद 16.16 डिवाइडेड बाय थर्ड सेकंड थर्ड फोर्थ फोर्थ ईयर में 57.53 मल्टीप्लाइड बाय 10, 2.81। अरे लिखा नहीं क्या मैंने? सेकंड ईयर का कहाँ गया? टू पॉइंट एट वन फोर्थ ईयर में, थर्ड ईयर का 13.77 से कैलकुलेट करना है। टू पॉइंट थ्री एट, अब आती बारी फिफ्थ ईयर की। फिफ्थ ईयर का टैक्स इज 18.51, जो आउटफ्लो है वो डिवाइडेड बाय फिफ्थ ईयर में 56.98 का एक्सचेंज रेट है आपका, मल्टीप्लाइड बाय 10, 3.25। और उसके बाद लास्ट इज 20.82 का टैक्स, 20.82 डिवाइडेड बाय सिक्स्थ ईयर इज 56.17 मल्टीप्लाइड बाय 10, 3.71।
ठीक है, ये इतना आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, बैलेंस टैक्स आपको पे करना पड़ेगा यूएस गवर्नमेंट को। समझ में आ रहा है? यूएस टैक्स की लाइन जो है वो आपको बता रहा है कि यूएस में कितना टैक्स भरना पड़ेगा, उसके बाद उसमें से आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा इंडियन, इंडिया में जितना आपने टैक्स पे किया था। तो इंडिया में आपने जितना टैक्स पे किया था वो हमने मिलियन इन डॉलर्स कन्वर्ट कर लिया एक्सचेंज रेट से डिवाइड करके। अब आपको यूएस का टैक्स पेमेंट हम निकाल लेंगे 2.18 माइनस 1.96.22, 4.25 माइनस 2.38 1.87, 4.32 माइनस 2.81 1.51, 4.67 माइनस 3.25 1.42, एंड 7.51 माइनस 3.71 इज 3.8, और ये 3.84 पूरा। सो इतना आपको टैक्स भरना है। नेट कैश फ्लोस 43.86 6.24 12.14 माइनस जो आपको यूएस में टैक्स भरना पड़ा दैट इज 0.22 11.92 फिर 12.34 माइनस 1.87 इज 10.47 13.35 माइनस 1.51 इज 11.84 21.45 माइनस 1.42 इज 20.03 10.97 माइनस 3.8 इज 7.17 एंड माइनस 3.84। बहुत बड़े कैलकुलेशन हो गए, चलो बस पहुंचने ही वाले हैं मंजिल पे। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अब आप लोगे इसको डिस्काउंटिंग करने के लिए एट द रेट ऑफ 15%, क्योंकि 15% हमने कंसिडर करना है। एक बार वापस से क्वेश्चन में देख लेंगे कौन से दो रेट थे। सो 13 की जगह 15 लेना था, राइट? ठीक है, सो 15% के हिसाब से आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर देखो। 0 पॉइंट का तो 1 आएगा, 0.869 तो 87 आ जाएगा यहाँ पे, 0.756, 0.658, 0.572, 0.497, 0.432, 0.376। प्रेजेंट वैल्यू फोर्टी थ्री पॉइंट एटी सिक्स फाइव पॉइंट फोर थ्री नाइन पॉइंट जीरो वन सिक्स पॉइंट एट नाइन सिक्स पॉइंट सेवन सेवन नाइन पॉइंट नाइन फाइव थ्री पॉइंट वन जीरो वन पॉइंट फोर्टी फोर। एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ ताकि कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो पता चल जाएगी।
सॉरी 1.44, ठीक है टोटल कर लेते हैं इनका, फाइव पॉइंट फोर थ्री प्लस नाइन पॉइंट ज़ीरो वन प्लस सिक्स पॉइंट एटी नाइन प्लस सिक्स पॉइंट सेवेंटी सेवन प्लस नाइन पॉइंट नाइन्टी फाइव प्लस थ्री पॉइंट वन ज़ीरो माइनस वन पॉइंट फोर्टी फोर माइनस फोर्टी थ्री पॉइंट एटी सिक्स फोर पॉइंट वन फाइव निगेटिव। सो इतनी सारी मशक्कत करने के बाद में आपको फाइनल डिसीजन ये मिलता है कि भैया क्या निगेटिव एनपीवी होने की वजह से आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है इस प्रोजेक्ट में। सो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, आपको आई होप सारी चीज़ें समझ में आई हो। तकरीबन सात वर्किंग है, सी सिंपल, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको ये सात चीज़ें बता दी थी क्योंकि कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एक्सचेंज रेट आपने पहले कैलकुलेट किया, उसके बाद में रेवेन्यू और रॉयल्टी, फिर रेवेन्यू रॉयल्टी को साथ में लिया, उसमें से आपने माइनस किया प्रोडक्शन कॉस्ट, माइनस किया डेप्रिसिएशन तो आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से आपने टैक्स कैलकुलेट किया। सो चौथा था आपका कैलकुलेशन टैक्स का, टैक्स के बाद में फ्री कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो के बाद में रेमिटेंस कितना हुआ, आधा आधा डिवाइड किया, और देन द लास्ट कैलकुलेशन वॉज ऑफ द नेट प्रेजेंट वैल्यू। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन, just note down these answers and I hope you understood it. If you haven't understood anything, you can feel free to ask me the doubts. Bye bye.